हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बच्चे, हम ऑलरेडी हैलोजन डेरिवेटिव जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है और हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 आ जाए हमारा। और जो फर्स्ट प्रिपरेशन था हमारा कैपिटल 1, वो था फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल में जो स्मॉल ए था वो मैंने लिखा था फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें मैंने स्मॉल ए पूरा कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करने वाले हैं स्मॉल बी बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड। अब फॉस्फोरस हैलाइड में जनरली हम PX3 और PX5 से डील करते हैं, तो जो उसमें नंबर 1 होगा मेरा स्मॉल 1, इसको मैं बोलता हूं रोमन में 1, स्मॉल 1 होते हैं, एक्शन ऑफ PX3। अब जो PX3 है इसमें PCl3 हो सकता है, PBr3 हो सकता है और Pi3 हो सकता है। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टार मार्क करके बाय यूजिंग PCl3, चलेगा? तो मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं बाय यूजिंग PCl3। चलो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि अगर एक्शन ऑफ PX3 होता है तो इसका जनरल जो इक्वेशन होगा, जनरल जो फॉर्मुला होगा कैसे बनेगा। ये कंटेंट बच्चे कैपिटल 1 में चले आ रहा है, मतलब ये अल्कोहल से ही बनाना है, आपको इस बात का ध्यान रखना। तो आपको मैं दिखा दूं, ये रहा आपके पास अल्कोहल R-OH, इसमें आपने क्या किया PX3 मिलाया। आपको पता है इसका नाम है फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, इसे हम बोलते हैं। ये OH क्या है बच्चे, OH आपका 1- होता है, अगर ये यहां से बाहर जाएगा तो इसकी जगह पे ये X जो है 1- आ जाएगा, ठीक है? तो यहां पे आंसर बन जाएगा RX बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, बैलेंसिंग के पीछे भागना है। आप देख सकते हो यहां पे एक्स कितना है, 3 है, जबकि यहां पे एक्स कितना है, सिर्फ 1 है। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आर कितना मिल गया, 3 मिल गया। यहां पे आर कितना है, 1, मैंने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया। जब इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये OH कितना हो जाएगा, चेक करो, ये पूरा OH बच्चे यहां पे 3 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास H कितना है, 3 है, P कितना है, 1 है और ये O कितना है, 3 है। तो मेरे पास एक कंपाउंड बाहर निकलता है H3PO3, जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड और ये कंपाउंड क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड। ये मैंने जनरल इक्वेशन दिखाया, इसी के बेस पे आप बाय यूजिंग PCl3 कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं PCl3 कैसे करेंगे। ये रहा ROH अल्कोहल, इसमें आपने मिलाया PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। सेम पैटर्न, यहां से OH माइनस आपका बाहर चला गया पूरा का पूरा, इसकी जगह पे आ गया एक Cl, तो ये RCl बन जाएगा बच्चे, राइट? अब कार्बन की जो Cl उसकी वैल्यू से पूरा करता हूं मैं, यहां पे जो Cl है यहां पे टोटल अमाउंट ऑफ Cl अगर देखेंगे तो 3 है, जबकि बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पे ऑब्वियस मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया आर कितना हो गया मेरे पास 3, मैंने आर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। OH कितना हो गया बच्चे, OH हो गया मेरे पास 3, H कितना है 3 है, O कितना है 3 है और P कितना है 1 है। तो इसको मैं अरेंज करके लिखता हूं H3PO3। इसका जो नाम होता है मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए, इसका नाम होता है अल्काइल क्लोराइड। इसका नाम मैंने आपको बताया फॉस्फोरस एसिड, इसको बोलते हैं। ये जो होगा मेरे लिए अल्कोहल का काम करेगा, कोई डाउट है? ये जो मैंने जनरल पार्ट लिखा है इसी के बेस पे आप मैं एग्जांपल डील करने वाला हूं। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या है आपको दिखा देता हूं मैं। एग्जांपल नंबर 1 में मैं लेने वाला हूं इथाइल अल्कोहल, देख लो आप लोग, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, इसको इथेनॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए इथेनॉल, क्लियर है? चलो, क्या मिलाने की बात हुई हमारी, PCl3 मिलाने की बात हो रही है। तो मैंने PCl3 मिलाया, इसको मैंने हीट किया, अब यहां से OH बाहर जाएगा, उसकी जगह पे एक Cl आ गया, तो आंसर बन जाएगा CH3CH2 और OH की जगह पे Cl। लेकिन यहां पे Cl का अमाउंट कितना है, 3, यहां पे Cl कितना है, सिर्फ 1 टाइम। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया ये पूरा होल कार्बन 3 हो गया, मतलब यहां पर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्लियर है? OH का अमाउंट कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, OH का जो अमाउंट होगा कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि H3 बच रहा है, यहां पे P सिर्फ मेरा 1 टाइम है और O कितना है 3 है, जिसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। यहां पे मेरे पास जगह है तो मैं लिख देता हूं फॉस्फोरस एसिड इसका नाम होता है। इसका नाम क्या होगा यहां पे, इथाइल क्लोराइड। अगर किसी ने इसका आयुपैक पूछा है तो इसका आयुपैक हो जाएगा क्लोरो, 2 कार्बन का अल्केन बनता है इथेन, तो इसका नाम बन जाएगा क्लोरो इथेन। कोई कंफ्यूजन है किसी को? चलो एग्जांपल नंबर 2 मैं आपको समझा रहा हूं, इसी केस में PCl3 वाले केस में एग्जांपल नंबर 2 ले लेता हूं आपके प्रैक्टिस के लिए। CH3CH CH3OH, इस कंपाउंड का नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर सेक प्रोपाइल अल्कोहल, दोनों लिख सकते हैं। मैं यहां पे एक नाम लिख रहा हूं, सेक प्रोपाइल अल्कोहल लिख रहा हूं। इसमें आपको ऐड करना है PCl3, चलेगा? यहां कहीं पे स्पॉटलाइट आ रहा होगा इसलिए मैं यहां पे कुछ लिख नहीं रहा हूं। तो PCl3 यहां से क्या होगा, OH बाहर जाएगा, उसकी जगह पे Cl आ जाएगा। तो ये जो होगा कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा, जहां पे OH था वहां पे Cl आ गया, बाकी सारी चीजें वैसे के वैसे रहेंगी। Cl के अमाउंट को बैलेंस करने के लिए आप यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
और वही जैसे पूरा होल कंपाउंड कार्बन का 3 होगा तो आप यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, OH का अमाउंट 3 हो गया, P यहाँ पे 1 है, तो मेरा जो आंसर बनेगा H3PO3 मेरा बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, आइसो या फिर सेक, जो भी आपको लिखना है आपकी चॉइस है, सेक प्रोपाइल क्लोराइड ये नाम हो सकता है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो इस तरह से जो स्मॉल बी था बायो जिंक फॉस्फोरस हैलाइड उसमें PX3 जो था मेरा स्मॉल 1 PX3 में मैंने PCl3 का क्या कंप्लीट कर लिया। अब मेरा टारगेट है कि मैं जो स्मॉल 1 था जो कि PX3 था इसके अंदर स्टार मार्क मैंने PCl3 कंप्लीट किया, तो जो सेकंड स्टार मार्क है अब मैं उसकी तरफ आता हूं, तो सेकंड स्टार मार्क क्या है बेसिकली आप देख सकते हैं यहां पे, ठीक है मैं यहां पे स्टार मार्क करता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ये स्टार मार्क बाय यूजिंग PBr3 पिक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए। चलो तो सेकंड स्टार मार्क है बाय यूजिंग PBr3 मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको पहले मैं बता दूं कि ये जो PBr3 है वो एक्चुअल में आता कहां से है, तो उसका रेशियो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने वाला हूं आपके लिए, और वही चीज मैं क्या करूंगा जब भी मैं रेशियो करूंगा PBr3 का तो वही चीज मैं कैटलिस्ट में यूज करने वाला हूं। आपको भी पता है कि जो कोई भी चीज जो आप यूज करते हो एज ए रिएक्टेंट अगर वो आपको पता है कि कहां से बनी हुई है तो उस रिएक्टेंट को जनरली आप एज ए कैटलिस्ट कंसिडर करते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कहां से बना हुआ है, जो फॉस्फोरस जिसको हम P4 दिखाते हैं इसमें आप मिलाएंगे Br2 चलेगा, और P और Br जब मिलेंगे तो बन जाएंगे PBr3। इसको बैलेंस करना होगा मुझे, नो डाउट। Br यहाँ पे कितना है, Br यहाँ पे 3 जबकि यहाँ पे कितना है 2, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, Br कितना हो गया 6 हो गया, Br को 6 करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा और बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान देना यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। P यहाँ पे कितना है 4 है, तो मेरा सबसे पहला टारगेट है कि इस P को मैं 4 कर दूं, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 3 12, इसको 12 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई डाउट है किसी को। तो ये हो गया आपका बेसिकली रिएक्शन, क्योंकि PBr3 जो होता है वो P4 और Br2 से मिलता है, तो ये आपको कंडीशन पे P+Br2 आपको लिखना होगा, ये आपका कंडीशन रहेगा, चलेगा। चलो तो मैं आगे चलता हूँ इसके जनरल पार्ट की तरफ। जनरल पार्ट कैसा बनेगा, ये रहा मेरे पास अल्कोहल, इसमें मैं रिएक्ट कर रहा हूँ PBr3, एरो पे आप लिखेंगे P4+Br2, आप देख सकते हैं ये दोनों जो रिएक्टेंट है उनको मैं एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि PBr3 इन्हीं दोनों से बना हुआ है, ठीक है। होगा क्या, PH3 का जैसे आपने रिएक्शन किया था यहाँ से OH बाहर जाएगा, उसकी जगह पे ये Br आ जाएगा, तो आपको आंसर में क्या मिल जाएगा, RBr मिला। अब Br को बैलेंस करना होगा मुझे, Br यहाँ पे 3 जबकि यहाँ पे 1 है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, R यहाँ पे 3 हो गया, मैंने यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, OH यहाँ पे 3 हो गया, P मेरा 1 है, तो मैंने क्या किया H3PO3 जिसको हम फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, कोई कंफ्यूजन है चलेगा, नेमिंग आप कर सकते हो, इसका नाम अल्कोहल होगा, इसका नाम अल्काइल ब्रोमाइड होगा। मैं एग्जांपल नंबर 1 आपको समझा रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 1 मैं इथाइल ले रहा हूँ, तो ये रहा मेरे पास CH3CH2OH जिसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, इसमें मैं रिएक्ट कराऊंगा PBr3, कैटलिस्ट में मैं यूज करूंगा P4+Br2 चलेगा, इसको मैंने हीट कर दिया, यहां से OH बाहर निकलेगा और ये Br इसकी जगह पे आ जाएगा, तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा CH3CH2Br यहां पे प्लस, आप देखेंगे Br यहां पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, ये होल कंपाउंड 3 होगा तो मैंने यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, अब ये OH मेरा 3 हो जाएगा, तो मेरा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा H3PO3 दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरस एसिड, इसका नाम इथाइल अल्कोहल है, इसका नाम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, ध्यान देना एक चीज को, इथाइल ब्रोमाइड चलेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले लेता हूं आपके लिए, तो ये रहा मेरे पास CH3 नीचे मैंने OH ले लिया है, इसका नाम क्या होगा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, देखो मैं नाम बार बार बदल रहा हूं, इसके पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वहां पे मैंने सिक प्रोपाइल अल्कोहल लिया था, क्यों मैं नाम बदल रहा हूं ताकि आपको वैरायटी ऑफ नाम जो है कि पता चले, ठीक है। तो इसका नाम हो गया आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, मैंने यहाँ पे लिख दिया आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। अब क्या करूंगा मैं इसके अंदर मिलाऊंगा PBr3 किसके प्रेजेंस में, तो ऑफकोर्स P4+Br2 के प्रेजेंस में, तो मेरा आंसर क्या होगा, यहां से OH बाहर गया इसकी जगह पे Br आ जाएगा, तो यहां पे मेरा बन जाएगा CH3CH उसके नीचे Br आगे आ गया CH3 यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, सेम कंटेंट आप यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे OH3 होगा और आपका बाय प्रोडक्ट बन जाएगा H3PO3, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, कोई डाउट है किसी को तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में जब मैंने PBr3 मिलाया तो मुझे ये कंपाउंड मिलता है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। कोई डाउट है बच्चे? चलो अब आने वाला है ये तो स्टारमार्क खत्म हुआ PBr3, अब आने वाला है बाय यूजिंग PI3। PI3 का भी पैटर्न सेम होता है बनाने का, तो यहां पे कैसे बनेगा देख लो जरा। ये है मेरा P4 फॉस्फोरस, इसमें मैंने मिला दिया I2, ऑब्वियस P और I मिलेंगे तो PI3 बन जाएगा, और मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। P यहां पे 4 है, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, I12 हो गया, मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, चलेगा। इसका मतलब कि PI3 जब मैं रिएक्ट कराऊंगा अल्कोहल के साथ में तो मेरा कंडीशन पे कैटलिस्ट पे P4 प्लस I2 होने वाला है। एकदम सिंपल सा लॉजिक आपको अप्लाई करना है। चलो ये मेरा जनरल पार्ट के लिए मैं जगह रखाऊं तो अल्कोहल में मैंने मिला दिया PI3, कैटलिस्ट पे मैं यूज करूंगा P4 प्लस I2, इस बात का ध्यान रखना। हिट कर दिया मैंने, यहां से OH बाहर जाएगा, आंसर बन जाएगा RI, यहां पे 3 है, यहां पे 1 है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, अल्काइल का R यहां पे 3 हो जाएगा और मुझे फाइनली आंसर मिल जाएगा H3PO3। कोई डाउट है? इसका नाम अल्कोहल, इसका नाम अल्काइल आयोडाइड। मैं एग्जांपल में समझाता हूं, एग्जांपल मैं बार बार वही ले रहा हूं, चलो इस बार मैं प्रोपेन ले लेता हूं। तो 3 कार्बन वाला अल्कोहल, ये रहा मेरे पास प्रोपेनॉल, इसको हम प्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, आप आगे एन लगा सकते हो क्योंकि ये नॉर्मल चेन है, तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल अल्कोहल, IUPAC नेम प्रोपेन -1-ऑल। मैंने इसमें रिएक्ट किया PI3 किसके प्रेजेंस में आप रिएक्ट कराएंगे, ऑफ कोर्स P4 प्लस I2, कहां से आया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यहां से आया हुआ है। चलो यहां से OH बाहर जाएगा तो जो आपका कंपाउंड बनेगा CH3CH2CH2I। अब I को बैलेंस करो, I यहां पे 3 है, यहां पे I1 है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो होल कार्बन यहां पे 3 हो गया, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो बाय प्रोडक्ट जो है मैंने नीचे लिख रहा हूं यहां पे H3PO3 बन जाएगा। इसका नाम आएगा प्रोपाइल, एन प्रोपाइल लिख सकते हैं, एन प्रोपाइल आयोडाइड। कहीं पर कोई डाउट है बच्चे तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। इस तरह से मैंने एग्जांपल नंबर 1 कन्वर्ट किया, एग्जांपल नंबर 2 आइसोप्रोपाइल ले सकता हूं, ये रहा मेरे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मैंने PI3 मिलाया और यहां पे P4 प्लस I2 किया मैंने, तो यहां पे मुझे आंसर मिल जाएगा CH3CH3I। I को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई और बाय प्रोडक्ट में बन जाएगा H3PO3। देख लो जरा, मैं यहां पे हट जाता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से पूरा रिएक्शन दिखाई दे। इसका नाम आइसोप्रोपाइल लिखो या सेक प्रोपाइल लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेक प्रोपाइल अल्कोहल मैंने लिखा और यहां पे आ जाएगा सेक प्रोपाइल आयोडाइड, सेक प्रोपाइल आयोडाइड। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? तो इस तरह से जो मेरा PH3 था, अगर आपको याद होगा स्मॉल बी में, मैं आपको बता दूं क्या चल रहा है, स्मॉल बी में जो स्मॉल 1 था PX3, ये खत्म हो चुका है, PX3 खत्म हो चुका है। स्मॉल बी का तो नाम था फॉस्फोरस हैलाइड, तो फॉस्फोरस हैलाइड में जो PX3 था वो खत्म हो चुका है। अब आने वाला है स्मॉल 2, आप कह सकते हो PX5, चलेगा? तो आपको मैं दिखाता हूं PX5 कैसा होगा। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, अगर जैसा लिखा रहा हूं बच्चे वैसा ही नोट्स अगर आपने बना लिया है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप रिएक्शन से डील कर रहे हो वो आपको समझने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपकी गारंटी, आपका सिर्फ यही काम है कि जो भी सिखाया जा रहा है उसको एक प्रॉपर मेथड से एक नोटबुक में राइट डाउन करते जाओ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टाइटल की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका, दिखा देता हूं मैं आपको थोड़ा सा और जरा मैं क्लीन कर देता हूं। चलो नेक्स्ट जो है वो है स्मॉल 2, आप बोल सकते हो स्मॉल 2 का मतलब रोमन में 2, जनरली मैं इसको स्मॉल 2 बोलता हूं, ठीक है? रोमन में 2 क्या है बच्चे? ये है एक्शन ऑफ PCl5। आपको याद होगा आपने इसके पहले यूज किया था एक्शन ऑफ
PCL, मैं यहाँ पे PX5 पहले लिखता हूँ ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली क्या है। PX5 लिखता हूँ मैं आपको, बता दूं PX5 में सिर्फ PCL5 ही एग्जिस्ट करता है, बाकी सब एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए मैंने PCL5 डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन ठीक है, आपको मैं स्लोली स्लोली सब टॉपिक पे ले जाता हूँ। तो एक्शन ऑफ PCL PX5 में डील कर रहा हूँ, चलेगा। अब जो PX5 है, मुझे पता है कि PX5 का रिएक्शन कैसे होता है, तो पहले मैं आपको इसका जनरल रिएक्शन दिखाऊंगा। नजरे बिल्कुल व्हाइट बोर्ड की तरफ रखो, ये ना आपके पास ROH, इसमें आपने रिएक्ट किया PX5, इसको हीट कर दिया। ध्यान देना जरा, यहाँ पे यहां से OH बाहर जाएगा और उसकी जगह पे X आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा RX। अब इस OH में H होता है प्लस, और यहां पे भी X अभी बचा हुआ है जो कि माइनस होता है, इसका मतलब एक कंपाउंड क्या बन जाएगा, HX बन गया। तो जरा ध्यान देना, यहां पे एक कंपाउंड बन गया HX। अब क्या बचा, अब जरा देखते क्या बचा है। एच ऑलरेडी बाहर जा चुका है, एक्स ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो क्या बचा है, एक ओ बचा है। ध्यान देना जरा, एक ओ बचा है, एक P बचा है, और X 5 में से 2 ही मैंने यूज कर लिया है, तो 3 X बचे हुए, मतलब इनको मिला के एक कंपाउंड बनता है POX3, चलेगा। फॉस्फोरस ऑक्सी हैलाइड बोल सकते हैं, या फिर फॉस्फोरिल हैलाइड बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, कोई डाउट है किसी को रिएक्शन में, देख लो सब कुछ बैलेंस है, यस परफेक्ट, सब कुछ बैलेंस दिखाई दे रहा है मुझे। मैं नाम लिख लेता हूं आपके लिए, तो इसका जो नाम होगा वो होगा अल्कोहल, और इसका जो नाम होगा वो होगा अल्काइल हैलाइड। मैं अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन इसमें सीख रहा हूं, तो ये मुझे मिल गया अल्काइल हैलाइड। कोई डाउट है किसी को। अब जो एक्शन ऑफ PX5 है, ये तो स्मॉल 2 हुआ, तो स्मॉल 2 के अंदर जो पहला स्टार मार्क आने वाला है, जरा ध्यान देना, वो आएगा बाय यूजिंग PCl5। क्लियर है, बाय यूजिंग PCl5। चलो इसके रिएक्शन की मैं बात करता हूं, जनरल पार्ट पहले आपको दिखा दूं इसका कैसे होगा। तो ROH में आपने मिलाया PCl5, इसको आपने हीट किया, जैसे हीट करेंगे यहां से OH बाहर, उसकी जगह पे Cl आ गया, आंसर बन जाएगा R-Cl। OH में H प्लस Cl माइनस, तो एक कंपाउंड बन जाएगा HCl, और बचा हुआ कंपाउंड जो रहेगा POCl3। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा, देखो इस तरह से P डबल बॉन्ड O और ये रहा Cl, दिखाई दे रहा है। ये मैं आपको ब्रेक करके आपके लिए समझा रहा हूं कि फास्फोरस कैसे यहाँ पे 5 बॉन्ड बना रहा है इसके थ्रू, चलेगा। इसका नाम क्या होगा, फास्फोरिल क्लोराइड, मैं स्पेलिंग लिखूंगा आपके लिए, फास्फोरिल क्लोराइड, उसी पैटर्न में फास्फोरिल हैलाइड बोल सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, अल्काइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, ऑफकोर्स एल्कोहल नाम होगा। कोई डाउट है किसी को। ये तो मैंने लिया जनरल पार्ट, अब मैं लेने वाला इसके बेस पे एग्जाम्पल, इसके बेस पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो आर की जगह पे मैंने क्या ले लिया, इथाइल ले लिया। चलो देखते हैं जरा, CH3CH2OH प्लस मैंने PCl5 ले लिया। ध्यान देना जरा, CH3CH2OH मैंने मिला दिया PCl5। अब क्या होगा, ऑफ कोर्स यहां से OH बाहर, और मुझे जो आंसर मिलेगा जरा देखते हैं क्या मिलेगा, CH3CH2Cl मिलेगा, HCl मिलेगा और POCl3 बाहर, यहां से H, यहां से Cl, HCl बाहर और POCl3 बाहर। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, और इसका नाम होगा इथाइल एल्कोहल। एक और एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कुछ भी चीज कट नहीं रहा होगा लाइट की वजह से, एक बार जरा चेक कर लो आप एग्जांपल नंबर 1, कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बोलो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में बात करने वाला हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या लेने वाला हूं मैं, आइसोप्रोपाइल, देख लो जरा, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मैंने क्या मिलाया, मैंने मिला दिया PCl5। ध्यान देना जरा, यहां से OH बाहर, ये Cl इसकी जगह पे आ गया, आंसर बन जाएगा CH3CH Cl CH3। H और Cl, HCl बाहर, और एंड में बाहर जाएगा POCl3, चलेगा। इसका नाम जरा फटाफट बता देते हैं, इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। क्लियर है यहां तक सबको। चलो मैं एक नोट बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, ठीक है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये नोट क्या है एग्जैक्टली, आपको मैं बता दूं कि जो PX5 है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ PCl3 ही एग्जिस्ट करता है, PBr5 और PI5 एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चे।
इसका लॉजिक में मैं आपको दिखा रहा हूँ क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। जरा मैं इसको जरा इरेज करता हूँ, फिर आपको मैं दो नोट यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक नोट आपका रहेगा PX3 से रिलेटेड, ठीक है, और दूसरा नोट रहेगा आपका PX5 से रिलेटेड। चलो, जो मैंने फास्फोरस से रिलेटेड कंटेंट खत्म किया है उसके ऊपर ये नोट आने वाला है। तो जो नोट है उसमें आप सबसे पहले लिख सकते हैं नोट नंबर 1, इंपॉर्टेंट नोट होता है आपके लिए, ठीक है। नोट क्या है बच्चे, PBr3 एंड PI3 आर लेस स्टेबल देन PCl3। ये आप याद करके रखो, नोट करके रखो कि PBr3 और PI3 का अगर मैं स्टेबिलिटी चेक करूं तो इनकी स्टेबिलिटी PCl3 के कंपेयर में कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि फास्फोरस और Br के बीच का जो ऑर्बिटल रेंज होता है, बेसिकली आप देखेंगे डिस्टेंस, आपको पता होगा हैलोजन एटम की बात अगर मैं करता हूं तो F का जो होता है बच्चे साइज सबसे छोटा होता है, Cl का थोड़ा बड़ा, Br का और बड़ा, और I का सबसे बड़ा हो जाता है, राइट। तो इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से क्या होता है ये लेस स्टेबल हो जाते हैं। जबकि सेकंड केस का आपको यह बोलना है, PCl5 तो जनरली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट करता है एक्चुअल एनवायरमेंट में, लेकिन जो PBr5 होते हैं और PI5 होते हैं, ये दोनों बोल सकता हूं मैं डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि बच्चे अगेन बॉन्ड लेंथ का क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है इतना ज्यादा होता है कि एकदम वीक हो जाता है, तो जनरली ये एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम में कभी अगर आ गया आपको कि भाई एक्शन ऑफ अल्कोहल प्लस PBr5, आप अटेम्प्ट करो सेम मेथड से, लेकिन मैं बोलता हूं उस पे मार्क्स मिलेंगे, गलत क्वेश्चन है वो, क्योंकि PBr5 तो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में। आ रहा है समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो कंटेंट होने वाला है वो आने वाला है SOCl2। आपने पढ़ा होगा शायद से, दिखाता हूं मैं नया कंटेंट, इसलिए मैं रफ कर रहा हूं, नया कंटेंट बिल्कुल फ्रेश तरीके से सीखे तो अच्छा रहेगा। चलो शुरू करते हैं, ये कौन सा टाइटल होगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको याद होगा तो जो फास्फोरस का टाइटल आपने लिखा था ये उसके बाद का टाइटल है। तो आपको मैं बता दूं, नंबर जो स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट किया था Capital 1 फ्रॉम अल्कोहल, याद है, फ्रॉम अल्कोहल में नंबर ए क्या था बच्चे, हाइड्रोजन हैलाइड, नंबर बी क्या था, फास्फोरस हैलाइड, अब नंबर सी आने वाला है। देखो यही सब चीज आपको पता होनी चाहिए, यही चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अब आने वाला है नंबर सी। नंबर सी क्या, मैं आपको बता दूं, जो नंबर सी है उसका नाम है By using थायोनिल क्लोराइड। अब थायोनिल क्लोराइड का एक और नाम होता है सल्फोनिल क्लोराइड, यह भी अपने माइंड में सेट करके रखो, सल्फोनिल क्लोराइड। इसके अलावा एक और इसका नाम होता है, यह भी आप सेट करके रखो माइंड में, यह डार्जन्स मेथड के नाम से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, जनरली सिटी वालों को पूछते हैं ये कि भाई डार्जन मेथड क्या होता है। तो नंबर सी चल रहा है हमारा, Capital 1 का ही है, मतलब फ्रॉम अल्कोहल का ही कंटेंट है, वो याद होना चाहिए आपको। तो अल्कोहल में मुझे थायोनिल क्लोराइड मिलाना है बेसिकली, या बोल सकते हैं उसका दूसरा नाम होगा सल्फोनिल क्लोराइड, या एक और जो केमिस्ट के नाम पे होता है डार्जन्स मेथड इसको बोलते हैं। कैसे होगा रिएक्शन जरा देख लो, यहाँ पे नजरें बिल्कुल व्हाइट बोर्ड की तरफ, ये रहा मेरे पास अल्कोहल R-OH, क्या मिला है मैंने इसके अंदर SOCl2, इसी को बोलते हैं सल्फोनिल क्लोराइड या फिर थायोनिल क्लोराइड, क्लियर है, SOCl2। अब इसमें होता क्या है कि यहां से OH बाहर, इसकी जगह पे जाएगा एक Cl, तो आंसर बन गया R-Cl, यहां पे एक H प्लस और एक Cl माइनस, तो एक कंपाउंड बन जाएगा HCl। अच्छी बात है कि ये गैस में बनता है, HCl भले ही एसिड लेकिन ये गैस में बनेगा, और SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या बनेगा, गैस में बनेगा। तो यहां पे दो चीजें तुम्हें समझ में आ गई कि यहां पे HCl भी गैस में है और SO2 भी गैस में है, इसका मतलब कि जो अल्काइल क्लोराइड बनेगा वो प्योर फॉर्म में बनने वाला है, आपको फर्दर अब बोलते हैं ना प्यूरिफिकेशन जरूरत ही नहीं है। इसीलिए सारे अल्काइल क्लोराइड में अब तक जो हमने सीखा है उसमें ये बेस्ट मेथड माना जाता है। कभी कभी एग्जाम में आता है राइट टिक मार्क द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड, और ऑप्शन में देंगे एक्शन ऑफ अल्कोहल विद HCl, एक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3, एक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl5, एक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2, टिक मार्क करेंगे एक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2। क्यों,
क्योंकि इसमें बनने वाले बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे आपका अल्काइल क्लोराइड जो होता है वो पूरी तरह से प्योर फॉर्म में होता है। चलेगा? यहां पे जो HCl होता है वो हाईली एसिडिक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कंडीशन में पायरिडीन भी यूज करते हैं। चलेगा? और इसको आप क्या करेंगे, रिफ्लक्स कर देंगे। रिफ्लक्स का मतलब जनरली घोल देना, मिला देना। तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, रिफ्लक्स करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, व्हेन अल्कोहल इज रिफ्लक्स्ड विथ सल्फोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन इट गिव्स अल्काइल क्लोराइड। आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इन दिस रिएक्शन द बाय प्रोडक्ट HCl एंड SO2 आर गैसियस इन फॉर्म, गैसियस इन नेचर या गैसियस स्टेट, एंड दिस इज द रीजन दैट दिस प्रिपरेशन इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड। चलेगा? इसीलिए ये जो मेथड होता है वो बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है। किसी को कोई कंफ्यूजन है, इसका जो थ्योरी मैं बोल रहा हूं बच्चे वो याद नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, इसको देखो और खुद से फ्रेम करो, इसको देखो और खुद से फ्रेम करो। क्या है इसका नाम, इसका नाम है अल्कोहल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। चलो इसका नाम भी मैं लिख देता हूं। क्या करेंगे, रिफ्लक्स करेंगे किसके साथ में, पायरिडीन के साथ में। क्या बनता है, बनता है अल्काइल क्लोराइड। कोई डाउट है बच्चे, एग्जाम्पल देखो। अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल कुछ नहीं है, कुछ नहीं। एग्जाम्पल में आर की जगह पे इथाइल तो लेना है तुम्हें, आइसोप्रोपाइल तो लेना है तुम्हें। जैसा एग्जाम्पल एग्जाम में पूछेंगे वैसा डील करो, जैसा कंटेंट पूछेंगे। चलो आपको दिखाता हूं मैं, CH3CH2OH इसमें मैंने मिला दिया SOCl2। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कुछ लाइट की वजह से कट नहीं रहा हो। इसको रिफ्लेक्स कर दिया मैंने, क्या लिया मैंने, CH3CH2SOCl2। ठीक है, थोड़ा सा जरा मैं नीचे ले लेता हूं, थोड़ा सा नीचे ले रहा हूं मैं, CH3CH2OH प्लस SOCl2, और यहां पे कंडीशन पे मैं लेने वाला हूं पायरिडीन, और इसको मैं क्या करूंगा, रिफ्लक्स कर रहा हूं, रिफ्लक्स मतलब घोल रहा हूं आपस में। तो जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो यहां से OH बाहर, इसके जगह पे कौन आ गया, Cl आ गया, मतलब मेरा आंसर बन जाएगा CH3CH2Cl। जब यहां से OH गया तो इसका H का प्लस और Cl का माइनस HCl बन गया, जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, और यहां पे O और यहां पे SO मिलके बन जाएंगे SO2, जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए पायरिडीन कंडीशन में हम डालते हैं। चलेगा? इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, इथाइल अल्कोहल। मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं, एग्जांपल नंबर 1 होगा। ये जगह मैं थोड़ा सा छोटा, क्योंकि यहां पे कहीं लाइट आ रही है, मुझे नहीं पता कहां पे लाइट आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा जगह छोड़ के लिख रहा हूं, ताकि कहीं पे भी जो जहां पे लाइट है वहां पे मैं नहीं लिखूं। एग्जांपल नंबर 2 मैं ले रहा हूं आइसोप्रोपाइल CH3CHOH CH3। नाम क्या होगा बच्चे इसका, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ध्यान देना जरा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या मिलाने की बात हो रही है यहां पे, SOCl2 मिलाने की बात हो रही है। किसके प्रेजेंस में, पायरिडीन। एग्जाम में एक मार्क का क्वेश्चन आ गया, राइट द यूज ऑफ पायरिडीन इन दिस रिएक्शन। क्या करेंगे, टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखना बच्चे, HCl जो होता है वो एसिडिक मीडियम होता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, पायरिडीन यूज करने वाला हूं। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड, ये मेथड उठा के लिख दो, फुल मार्क्स। यहां से H गया, OH गया, CH3CHCl यहां पे आ गया CH3। ध्यान देना, यहां से H, यहां से Cl बचा हुआ यहां पे आ जाएगा, जो कि गैसियस फॉर्म में होगा, मैं गैसियस दिखा रहा हूं, और प्लस SO2, नो डाउट गैसियस फॉर्म में रहेगा। नाम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और यहां पे आ जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। कहीं पे कुछ डाउट है तो मुझे जरूर बोलो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ताकि मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कर सकूं। ठीक है, एक बहुत अच्छा मुझे थॉट याद आ रहा है, ठीक है, बहुत फेमस मैं कहूंगा ये थॉट है, बहुत बार पूछा जाता है, इनफैक्ट पूछा जाता है इन द सेंस लोगों के लिए यूज में आता है, मैं ऐसे कहूंगा। ठीक है, वो थॉट क्या, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए, सम टाइम लेटर बिकम्स नेवर। मेरे ख्याल से ये परफेक्ट सेट बैठने वाला है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यार वीडियो तो देख लिया, आप क्या करें, चलो ठीक है हो गया, बाद में वीडियो तो अपने पास ही है, कभी भी दोबारा उठा के देख लेंगे। ऐसा नहीं करना है बच्चे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद उसको तुरंत नोट्स बनाओ, तुरंत उस चैप्टर के पीछे पड़ जाओ, खत्म करो उस चैप्टर को, क्योंकि ये कंडीशन आपके लिए फिर अप्लाई हो जाती है कि सम टाइम लेटर बिकम्स नेवर। आप बोलते हो बाद में करना है, बाद में वो बाद में आता ही नहीं है। तो मेरा जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, ठीक है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि एक प्रॉपर नोटबुक बना के इस पैटर्न को फॉलो करो, जैसे मैं टाइटल लिखा रहा हूँ। ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा खुद का लिखा हुआ नोट्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा किसी एक लेक्चर में आगे जाने के बाद, कि कैसे नोट्स बनाते हैं। चलेगा? तो आपको आइडिया मिलेगा कि अच्छा किस तरह से नोट्स बनाते हैं। बच्चे एक चीज और ध्यान देना, नोट्स बनाते समय आप हमेशा क्लीन और नीट नोट्स बनाओ,
जितना साफ सुथरा लिखेंगे उतना ही आपको पढ़ने का दिल करेगा, ये फैक्ट है। जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे बैठने का मन नहीं करता है, क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। वैसे ही पढ़ते लिखते समय भी वही चीज़ है कि जो आप नोटबुक अच्छी लिखते हो, अच्छे क्लीन नीट फॉर्म में रखते हो, वो बार बार पढ़ने का दिल करता है। तो आप ट्राई करो कि जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसको देखो और उसको अच्छे से फॉलो करके जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप उसको रीप्रिंट करो अपने बुक में, चलेगा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, ठीक है। मैंने चालू किया 12th स्टैंडर्ड का जो महाराष्ट्र बोर्ड, उसका मैंने हैलोजन डेरिवेटिव चालू किया हुआ है। बहुत सारे और चैप्टर आने बाकी हैं जो कि मैं फटाफट बोलते ना जल्दी जल्दी से और बहुत सारे चैप्टर्स आपके इस चैनल पर डाल देता हूँ, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे उनका कोई लॉस ना हो, जो इस चैनल के भरोसे बैठे कि नहीं यार सर तो अच्छा कंटेंट डाल रहे तो क्यों ना मैं इनके साथ जुड़ा रहूँ। बच्चे आप जुड़े हो, आपका फायदा जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं स्टॉप कर रहा हूँ। एंजॉय योर डे।